एनिमेशन कोर्स में एडमिशन, स्कोप, करियर, नौकरियां और सैलरी की पूरी जानकारी। कुछ छात्रों की रुचि 12वीं के बाद एनिमेशन क्षेत्र में एक एनिमेटर बनने की होती है, तो यह कोर्स छात्रों को यह बताता है कि एनिमेशन प्रक्रिया के सभी आंतरिक कामकाज में कैसे शामिल होना चाहिए। इस कोर्स के माध्यम से आप न केवल फिल्म निर्माण प्रक्रिया के कई पहलुओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि उद्योग में अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के साथ नेटवर्क का मौका भी प्रदान करते हैं। एनिमेशन पाठ्यक्रम दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कराए जाते हैं। कई एनिमेशन पाठ्यक्रम स्नातकों के लिए पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद एक डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। कुछ कंपनियां टीम के निर्माण और रचनात्मक सोच के क्षेत्र में व्यावसायिक विकास के लिए एनिमेशन पाठ्यक्रम में अपने कर्मचारियों को नामांकित करती हैं। एनिमेशन कोर्स में एडमिशन, स्कोप, करियर, नौकरियां और सैलरी की पूरी जानकारी। एनिमेशन कोर्स के अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री दोनों कोर्स आते हैं। एनिमेशन डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 साल होती है, जबकि डिग्री कोर्स की अवधि 3 साल होती है। यह कोर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1. परिचयात्मक एनिमेशन, इंट्रोडक्टरी एनिमेशन। इस एनिमेशन पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को स्टॉप मोशन, क्लेमेशन, 2D या 3D कंप्यूटर एनिमेशन में इस्तेमाल की जाने वाली परंपरागत और डिजिटल तकनीक की श्रेणी में प्रदर्शित करता है। छात्रों को अवलोकन और ड्राइंग कौशल विकसित करने और चरित्र डिजाइन, लेआउट और स्टोरी बोर्डिंग के मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद एनिमेशन के पीछे बुनियादी सिद्धांत और यांत्रिकी सीखते हैं। 2. एनिमेशन के लिए स्टोरी बोर्डिंग फॉर एनिमेशन। इस एनिमेशन स्टोरीबोर्ड के माध्यम से छात्र बुनियादी एनिमेशन सिद्धांत और यांत्रिकी सीखते हैं, अवलोकन और ड्राइंग कौशल विकसित करते हैं और इस वर्ग में चरित्र डिजाइन, लेआउट और स्टोरीबोर्डिंग के मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक एनिमेटेड चरित्र के लिए स्टोरीबोर्ड तैयार किए जाते हैं और एनिमेशन के किसी न किसी संस्करण को एक साथ रखा जाता है। इस अभ्यास को एनिमेटिक्स कहा जाता है। 3. कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन के माध्यम से छात्र कंप्यूटर पर संश्लेषित एनिमेशन का निर्माण करना सीखते हैं। कंप्यूटर जेनरेट किए गए प्रकाश और पृष्ठभूमि का उपयोग छात्रों द्वारा विकसित मूल वर्णों के साथ किया जाता है। कंप्यूटर एनिमेशन उत्पादन तकनीकों का इस्तेमाल एक लघु एनिमेशन परियोजना के लिए किया जाता है। 4. इतिहास के दौरान एनिमेशन थ्रू आउट हिस्ट्री। इस कोर्स में छात्र यह सीखते हैं कि समय के साथ एनिमेशन में शैलियों और तकनीकों को कैसे बदल दिया गया है। फीचर लंबाई एनिमेशन पेश करने वाली पहली एनिमेटेड फिल्मों से एनिमेशन की समीक्षा इस तेजी से बदलते आर्ट फॉर्म पर छात्र परिप्रेक्ष्य देता है। यह एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम है। 3D एनिमेशन क्या है? 3D एनिमेशन एनिमेशन का एक प्रकार है जो एनिमेटेड पर्दे बनाने के लिए कंप्यूटरीकृत छवियों का उपयोग करता है। 2D एनिमेशन या पारंपरिक एनिमेशन की तुलना में 3D में बहुत अधिक यथार्थवाद दिखता है। एनिमेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र की योग्यता। एनिमेशन कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं होनी चाहिए और 12वीं में 45% अंक होने चाहिए। आप 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन जैसे पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। कुछ कॉलेज एनिमेशन कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा करवाते हैं। आप विभिन्न प्रवेश परीक्षा के आधार पर एनिमेशन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में एनिमेशन कोर्स के लिए टॉप कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, अहमदाबाद, मणिपाल यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, जयपुर, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, पुणे, अनवर जमाल किदवाई, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर AJKMCRC, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, SJJ, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स कोलकाता। एनिमेशन के बाद स्कोप और करियर। एनिमेशन कोर्स पूरा करने के बाद एक एनिमेटर विज्ञापन, वेब डिजाइनिंग, वीडियो बनाने, संपादन, खेल के विकास और यहां तक कि फिल्म उद्योग में काम कर सकता है। स्टूडियो, फिल्म निर्माण घरों और एनिमेशन कंपनियां आदि क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। विनिर्माण, सेवाओं या अनुसंधान में अन्य पारंपरिक करियर की तुलना में एनिमेशन में करियर अपेक्षाकृत नया है। एनिमेशन कला और प्रौद्योगिकियों का एक संयोजन है जिसमें 2D और 3D में दर्शकों और उपयोगकर्ताओं को प्रभावित और शिक्षित किया जा सकता है। एनिमेटर पर्यवेक्षण की स्थापना के तहत काम कर सकते हैं, अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर सकते हैं या एक फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं। एनिमेशन के बाद जॉब प्रोफाइल, डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, लेआउट आर्टिस्ट, डिजिटल पेंटर, एनिमेटर, मॉडलर, कंपोजिटर, एडिटर। एनिमेशन कोर्स की फीस।
एनिमेशन कोर्स में फीस भिन्न भिन्न कॉलेजों की भिन्न होती है। इस कोर्स की अनुमानित फीस 30,000 से कम 1,00,000 हो सकती है। एनिमेशन के बाद सैलरी। एनिमेशन कोर्स करने के बाद आप विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। एनिमेशन कोर्स के बाद फ्रेशर लेवल पर सैलरी 10,000 से कम 15,000 तक हो सकती है और कुछ अनुभव के बाद आपकी सैलरी 40,000 से कम 50,000 हो सकती है। और अगर आपको काम का अनुभव बहुत ही अच्छा है और आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी और अधिक बढ़ सकती है। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।